अरे फतेह, क्या हुआ? हम यहाँ क्यों आए हैं? ताकि हम दोनों खोल के बात कर सकें। फतेह, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? तेजो ठीक है? नहीं जैस्मिन, तेजो ठीक नहीं है और वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तेजो बहुत अच्छी है यार। वो उतनी अच्छी है जितना मैं बुरा हूं। उसने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। आज मेरे पापा की नजरों में मेरी इज्जत बढ़ गई है सिर्फ उसकी वजह से। आज मैं जिम्मेदार बन गया हूं सिर्फ उसकी वजह से। शादी के बाद क्या कुछ नहीं सहा उसने, लेकिन एक बार भी उफ तक नहीं की। आज आज उसने मेरे घर वालों के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। सब प्यार करते हैं उससे और मैं क्या कर रहा हूं उसके साथ? उसे धोखा दे रहा हूं, उसे चीट कर रहा हूं। जैस्मिन आज उसकी जान खतरे में थी सिर्फ मेरी वजह से। वो मर सकती थी। आज जब उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ था वहां पे, और अभी भी उसे मेरी गलती नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी मुझे संभाल रही है। मैं क्या कर रहा हूं उसके साथ यार? फतेह मेरी बात सुनो, अब तो सब ठीक हो गया है ना? है ना? कुछ ठीक नहीं हुआ है जैस्मिन, और तब तक ठीक नहीं होगा जब तक जब तक हम साथ हैं। बस बहुत हो गया यार। मैं तेजो को और हर्ट नहीं कर सकता और तकलीफ नहीं दे सकता। मेरी बात सुनो। देखो मैं समझती हूँ, तभी तो मैं तुमसे कहती थी ना बार बार कि बता दो तेजो को, और ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है। हम तेजो को ना सब कुछ सच सच बता देते हैं। हाँ मैं जानती हूँ फतेह कि तेजो को बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सिर्फ एक बार ही लगेगा ना। फिर ये ऐसी बार बार की तकलीफ से तो बच जाएंगे ना हम। और तुम जब तेजो को बताओगे ना कि तुम उससे प्यार नहीं करते, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगी, और फिर उसे ये भी पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फतेह, आई लव यू। नहीं जैस्मिन, जैस्मिन तुम नहीं समझ रही हो यार, और मुझे नहीं लगता तुम कभी समझ पाओगे। फतेह मेरी बात का यकीन करो, मैं समझ रही हूँ। और तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हम लोग मिलके सब ठीक कर लेंगे ना। हम नहीं, मैं। अब जो करना है मैं करूंगा। ये बात यहीं खत्म। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। दिमाग से काम लो ना, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे हो सकते हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे? मैंने सोच लिया है, मैं तेजो को और धोखा नहीं दे सकता। शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। फतेह, क्या तुम सच में यही चाहते हो? और शायद हम दोनों के लिए यही सही है कि हमारे रास्ते अलग हो जाए। यार मैं तेजो को अब और धोखा नहीं दे सकता हूं। तुम्हें मुझे भूलना ही होगा जैस्मिन।
फातिमा देखो मैं समझ सकती हूँ और मैं महसूस भी कर सकती हूँ कि तुम इस वक्त नहीं जैस्मिन तुम नहीं समझ सकती हो। वो मेरी भी बहन है। तो फिर तुम्हें समझना चाहिए ना, तुम्हें मुझे ये सब करने से रोकना चाहिए। लेकिन तुम ही समझने को तैयार नहीं हो जैस्मिन। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म। क्या तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे फतेह? हाँ जैस्मिन, मैंने बहुत मुश्किल से यह फैसला लिया है। और शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं था। जो भी था बस यहीं तक था। और हमारा प्यार इतना सेल्फिश नहीं है किसी और की जिंदगी पर बात करते हैं। ये तुमने कैसा फैसला ले लिया फतेह? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आइए मिसेज विर्क, शेफ फतेह सिंह विर्क की किचन में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये लीजिए गर्मा गर्म आलू का पराठा, एक्स्ट्रा मक्खन और ये आपका फेवरेट अचार। वेल, एनू केंद्र ने परफेक्ट पराठा। वैसे मुझे तो लगता था कि इस शेफ को नूडल्स भी ढंग से बनाने नहीं आते, लेकिन रातों रात में इतना बदलाव कैसे? जी रात रात में कहा, आपको ठीक हो के आए हुए 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से पराठे बनाने की प्रैक्टिस चल रही है। Not bad, Mr. Chef. Actually, शेफ ने ना थोड़ी सी चीटिंग की है। पराठे मेरे मम्मी ने सेके मैंने। अरे बातों बातों में ठंडा कर दोगी क्या पराठा है? ये लो। शेफ आपका दूसरा पराठा जलने वाला है, आप कहें तो मैं हेल्प कर देती हूं। जब तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती आप किचन का कोई काम नहीं करेंगी। तब तक आपकी सेवा में आपका ये नालायक पति हाजिर है। एक सेकंड मिस्टर शेफ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को नालायक कहने की? मैं
जी सॉरी मैडम जी, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। ओके नहीं रहना मुझे यहाँ, और ना ही देखनी है तुम्हारी शक्ल। तो फिर रब से अरदास करना पता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हें मेरी शक्ल कभी ना देखनी पड़े। अगर नहीं पहुंचा तो तेरी बीबी को मार दूंगा मैं। फतेह तुम डर गए थे ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फतेह। वो तो ये स्लिंग की वजह से लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। मैं हाथ भी हिला सकती हूँ, तुम कहो तो मैं स्लिंग हटा के दिखाऊं। नहीं नहीं, क्या क्या कर रहे हो ये? जब तक हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक ये पहने रखो। बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब फतेह टाइम क्या हुआ? 9:02। 9:02 हो गए और आप यहाँ पे पराठे सेक रहे हैं। आपको आज एकेडमी जल्दी जाना था ना? तेजो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फतेह, मैं ठीक हूँ सच्ची। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ मुच्ची। ऐसा है मिस्टर फतेह सिंगर, एकेडमी तो आपको जाने पड़ेगा, लेकिन हाँ उससे पहले मिसेस विर्क चाहते हैं कि मिस्टर शेफ उनके साथ ब्रेकफास्ट करें, सो प्लीज। फिर तो करना ही पड़ेगा। दो दिन हो गए, फतेह ने मुझे कॉल तक नहीं किया है। बेबे, मुझे ना तेजो को देखने का बड़ा मन कर रहा है, मैं तो जा रही हूँ उसको मिलने। मेरी ना अभी फतेह से बात हो रही थी, मैंने उसको बताया कि मैंने अपने हाथ से तेजो का मनपसंद खाना बनाया, वो खाना खाते ही शूश अटैक ठीक हो जाना है उसने। ब्रेकफास्ट हो गया? जी आंटी जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जय हो बेटा। आंटी जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या क्या कर रही हो, इसको क्यों खोल रही हो? ये ज्यादा शेरनी बनने की जरूरत नहीं है, पहने रखो इसे। अब वैसे आपके एकेडमी का टाइम हो गया, जाओ। अब पता है एप्रन पहन के एकेडमी जाओगे क्या? बाय। आप ना इतना खुश मत हो, देखना फतेह जी जो अपने हाथों से खाना खिलाएंगे तेजो दीदी को, देखो नहीं तो कल कैसे अपने हाथों से उनको खाना खिला रहे थे। पर आज तो मैं अपनी तेजो को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। मेरी बात हुई थी फतेह से, वो तो एकेडमी गया है कुछ काम से। अच्छा बेबे मैं चलती हूँ। अरे मैं नहीं जा रही हूँ। ये बन गई तेजो की चूरी। माता रानी का शुक्र है कि तुम बहुत अच्छे से ठीक होके घर आ गई है, वरना कुछ भी हो सकता था। सच में आंटी जी, जिंदगी का कुछ पता नहीं होता कब किसके साथ क्या हो जाए। आपको मेरी वो फ्रेंड याद है काजोल, जो कोलकाता में रहती है? हाँ हाँ याद आया, बताया था तुमने। बहुत ही सच्ची और नेक दिल लड़की है, उसकी फैमिली तो जान है उसकी। तुम बता रही थी ना कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने वाला है, बेचारी कैसे संभालेगी अपने आप को। आंटी जी उसे बेचारी मत कहिए, भले ही वो सच्ची और नेक दिल लड़की है लेकिन उतनी ही हिम्मत वाली और उतनी ही स्ट्रांग भी है, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली हर मुसीबत का सामना वो डट के करेगी। हालातों से घबरा कर पीछे हटने वालों में से नहीं है काजल। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें वापस पाया, मैं किसी और के लिए तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। हाय अमरी। हाय जैस्मिन, तुम यहाँ कैसे? हाँ वो मैं ऐसे एकेडमी के सामने से निकल रही थी, मुझे तुम्हारी बाइक दिख गई तो सोचा अंदर आकर मिल लूं। ठीक किया ना मैंने? क्या हुआ, आप वापस चले जाओ क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो ना कॉफी पीते हैं साथ में। एक्चुअली फतेहवीर घर पे तेजो जी का ख्याल रख रहे हैं तो उन्होंने मेरे को एकेडमी भेज दिया। यहाँ पे भी जरूरी काम था ना इसलिए। हाँ वो तो है। तेजो जी के साथ जब से ये हादसा हुआ है वीर तो जैसे हिल से गए हैं, एक मिनट के लिए भी उन्हें अकेला ही नहीं छोड़ते।
नीलेश, दो कॉफी लाना। जी सर। फते भाई आप, मुझे लगा आप आज आओगे ही नहीं। जो काम करने के लिए बोला था वो हो गया। मैं वो बस तुझे काम करने के लिए एकेडमी भेजा था, टाइम पास करने के लिए नहीं। काम हो गया था इसलिए हम बस कॉफी पी रहे थे। कॉफी पीनी है तो कैफे जाओ, यहाँ लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, काम करने आते हैं। चिड़चिड़ा हो गया मेरे बिना। अब हमरे कोई बात नहीं, फतेह को शायद यहाँ पे कुछ काम करना होगा, हम कहीं और चल के कॉफी पी लेते हैं। हाँ जी, हाय। अमरीक तुम बात करो, मैं ना दो मिनट में अंदर से अपना फोन लेके आती हूँ, मैं वही भूल आई। लेकिन तुमने एक भी कॉल और एक भी मैसेज नहीं किया। वो भी ठीक है, मुझे लगा तुम्हें टाइम चाहिए होगा शायद, लेकिन फतेह प्लीज ये मत भूलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें थोड़ा और टाइम चाहिए, तुम ले लो, मुझसे दूर तो मत जाओ, ऐसे मुझसे दो मिनट बात तो कर लो प्लीज। ये ऑलरेडी बहुत। फतेह प्लीज मेरी बात तो सुन लो। चलें? हाँ चलो। फोन गल, बड़ा चहक रहा है। कहाँ उड़ रहा था? कॉफी पीने गया था फ्रेंड के साथ। और कहीं वो फ्रेंड जैस्मिन तो नहीं थी? माची, अगर जैस्मिन थी भी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपको उससे इतनी दिक्कत क्यों है। एक राज है जो अब दिल में छुपाया नहीं जा रहा। तुझे याद है उस दिन जब फतेह बेहोश हुआ था? उस दिन वो अकेला नहीं था, जैस्मिन भी थी उसके साथ। और मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही है। इसीलिए उस दिन तेजो जैस्मिन को मेरे साथ हॉस्पिटल में देख के कैसे होश उड़ गए थे फतेह के। माची यार प्लीज, आप ना ये नमक मिर्च लगा के कहानियां सुनाना बंद करो, और वैसे भी मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी इस बारे में। हाँ जानती हूँ, क्यों तुझे बहस नहीं करनी। कोई ना, जब टाइम आएगा तो सब पता चल जाएगा तुझे। अमरीक, निम्मो, बाऊजी बुला रहे हैं, तंबोला खेलना है, आ जाओ। आई दीदी। ये माची भी ना कहीं की तार कहीं जोड़ देती है, किसी दिन कोई शॉर्ट सर्किट ना करवा दे। ना फतेह ने मुझे कॉल किया है, ना ही ढंग से बात की है, कहीं उसने सचमुच फैसला तो नहीं कर लिया, मुझे वाकई में भूलना तो नहीं चाहता। हम मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा।
ना तुम मुझे भूल सकते हो फतेह, ना ही मैं तुम्हें खुद को भूलने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद ही तेजो को सच क्यों ना बताना पड़े।